मैं हूँ फौजी, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फौजी किचन व्लॉग। तो आज मैं बना रही हूँ कीमा प्याज वाला। कीमा ये आप लोगों ने बहुत ही कम खाया और सुना होगा, मैंने भी पहले खाया है, ट्राई कभी नहीं किया। तो आज मैं बना रही हूँ और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरा गला ख़राब है और रेसिपी भी बनाना बहुत ज़रूरी थी, मैंने कहा चलो जैसे तैसे करके मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। बाकी अल्लाह मालिक, यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 से 4 बड़े के साइज़ के प्याज और यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ हरी मिर्चें, 3 से 4 या 5 हरी मिर्चें हैं और 3 बड़े साइज़ के टमाटर। लेकिन मैं इसमें से हसबी ज़रूरत डालूँगी जितनी मुझे ज़रूरत हुई। 1/2 किलो कीमा है, तो कीमे को मैंने मशीन में अच्छे से पिसवा लिया था और धो के साफ सुथरा करके छन्नी में डाल के रखा हुआ था कि इसका पानी निकल जाए, ब्लड वगैरह जो है अच्छी तरह से निकल जाए। और यहाँ पर लिया है मैंने दही, दही मैंने लिया है 1/2 कोली दही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लहसुन के जवे हैं और ये अदरक है, ठीक हो गया। इसको मैं बारीक सा पीस के ना इसका पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ पे है प्याज, छोटे प्याज थे 2, इसको मैं पहले सालन बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी, ये वाले बाद में इस्तेमाल करूँगी। मैं आपको सिर्फ बताऊँगी कि मैंने ये कहाँ पर इस्तेमाल करनी है और यहाँ का ये कहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर लिया मैंने लाल मिर्च का पाउडर, ये वाला 1.5 चम्मच मैंने लिया, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैंने लिया 1/2 चम्मच हल्दी, ये वाली 1 बड़ा चम्मच लिया है नमक। और यहाँ पे लिया है ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। और मेरी आवाज़ आ रही होगी ज़रा वज़नी वज़नी से, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत कोशिश के बावजूद भी ये ठीक नहीं हो सका, तो थोड़ी बहुत कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ सॉरी। हमें मैंने ली है कच्ची हांडी, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। कर हांडी को मैंने अच्छे से धो लिया और अब इसमें मैं ऐड करूंगी कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। ये देखे मैंने अच्छे से धो के इसको छन्नी में डाला था, फिर भी इसका अच्छे ब्लड निकला है। इसलिए ना ये जो कुर्बानी का गोश्त होता है ना, इसमें से ब्लड निकलता ही रहता है कितना मर्जी धो लो। इसको मैंने छन्नी में डाल के रखा था तो ताकि निकल जाए बिल्कुल अच्छा। जहाँ पे मैं प्याज ऐड कर दूँगी, तो मैं कह रही थी जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। तो अब मैं बाकी चीज़ें ऐड कर लेती हूँ। तो ये देखिए टमाटर मैंने काट लिए हैं, बड़े साइज़ के काट लिए हैं, क्योंकि ये जो बड़े गोश्त का कीमा है इसमें पानी डाल के जब रखेंगे ना पकने के लिए, जो टमाटर प्याज सब कुछ खुद ही घुल मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है, साइड करते हैं, यहाँ पे मैंने कुंडी में ना डोरी में अदरक लहसुन डाल दिया, इसको बारीक बारीक सा पीस लेंगे। ये देखिए अदरक लहसुन मैंने कूट लिया है, उसमें इसे ऐड कर देंगे। और यहाँ पे है हरी मिर्च, ये मैं अभी ऐड नहीं करूँगी। और बाकी के जो मसाले हैं आप लोगों के को मैंने बताया था, लाल मिर्च, हल्दी और ये वगैरह सब बहुत एहतियात से इसे डाल दूँगे। और ये हो गया, इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। अब इसमें मैं पानी डालूँगी और चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। ये मिक्स हो गया, तो यहाँ पे मैं पानी ऐड कर दूँगी 1 गिलास, मज़ीद मिक्स करेंगे। ये कीमा जो है ना, मुझे लगता है 1 गिलास पानी में गल जाएगा अच्छे से। अब इसमें मैं ढक्कन दूँगी, ढक्कन दे दिया, ढक्कन दे कर मैं फ्लेम ऑन करूँगी और चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। इसे 15 से 20 मिनट के लिए ना पकाऊँगी, फिर आप लोगों के साथ बाकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये देखिए मैंने फ्लेम ऑन करके चूल्हे पे हांडी चढ़ा दी है। कच्ची हांडी मैंने इसलिए ली है कि इसमें भुना हुआ कीमा
और प्याज वाला कीमा बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। तो आज मेरा मूड था कच्ची हांडी में बनाना, तो मैंने इसमें बनाया। मुझे बहुत जायका इसमें बनाऊँ तो बहुत जायका महसूस होता है मुझे, जैसे कच्चे बर्तन में ज़्यादा जायका आता है। तो अब मैं इसको 20 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देती हूँ, बाकी क्या मैं अपने घर के काम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ बाकी की रेसिपी शेयर करूँगी। और ये देखें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, पानी खुश्क हो गया इसका। अब इसमें मैं घी डालूंगी, तीन चम्मच मैंने घी डाल के इसको भूनेंगे अच्छे से। यहाँ पे मैंने दही लिया था, इसमें कोरमा मसाला है मेरे पास, थोड़ा सा ऐड करके इसे मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए घी छोड़ दिए, छोड़ना शुरू कर दिया कि मैंने, तो अब इसमें मैं दही ऐड कर दूँगी, मिक्स करूँगी। ये देखिए मैं अभी भी इसे भून रही हूँ, 15 मिनट हो गए हैं भून रहे हूँ मैं इसको, अभी मज़ीद भूनूंगी। जितना ज़्यादा भूनेंगे कीमे में उतना ज़्यादा जायका आएगा। ये देखिए अभी मज़ीद इसमें ना, ये देखिए पानी पानी सा लग रहा है ना ज़रा, दही का पानी, इसे मैं भूनूंगी अच्छे से, तो पानी ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और घी अलग हो जाएगा। तो ये देखिए कि मैंने घी छोड़ दिया है, तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी, यहाँ से मैंने काट कर रखे थे वो ऐड करेंगे। मैंने ये कीमा खाया काफ़ी दफ़ा है लेकिन बनाया कभी नहीं था पहले, आज मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। और इसे ना फूड ऐड कर, मैं सारे ऐड नहीं कर रही, ये बचा लिए बस, मुझे ज़्यादा लग रहे थे तो फिर वो ज़्यादा प्याज प्याज ही ना हो जाए। अब इसको ना मैं बिल्कुल हल्की फ्लेम पे ना दम पे रख दूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि जो प्याज है थोड़े से नरम हो जाए। हाँ जी, तो ठीक है इसको ना मैं रखती हूँ 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की फ्लेम पे, ठीक हो गया, मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो 5 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं बिस्मिल्लाह। ये देखें बस इतना ही हमें प्याज को गिलाना है, ज़्यादा नहीं करना था। तो मैं आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। और तो मज़ेदार सा मेरा कीमा प्याज तैयार है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।